हरे कृष्ण दोस्तों, देवी सती के शरीर के अंगों से हुई 51 शक्ति पीठों की स्थापना। चलिए इनके बारे में जानते हैं। पीठ का हिंदू धर्म में बेहद महत्व है। इनके बारे में आप सब ने सुना होगा, लेकिन इन सभी शक्ति पीठ बनने के पीछे एक वजह, एक रीज़न है। और ये रीज़न क्या है और ये कहाँ कहाँ स्थित है, यह हम इस वीडियो में जानेंगे। पौराणिक कथा के अनुसार आज हम आपको देवी के शक्ति पीठों के बनने की वजह के बारे में बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि ये शक्तिपीठ किन किन स्थानों पर स्थित है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। देवी के 51 शक्तिपीठ बनने के पीछे की जो पौराणिक कथा है, उसके अनुसार भगवान शिव की पहली पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने खंकल, जिसको वर्तमान में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वे बृहस्पति सर्वनाम का एक महायज्ञ किया था। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया था, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भगवान शिव की पत्नी, जो कि दक्ष प्रजापति की पुत्री थी, वह बिना आमंत्रित किए और अपने पति के रोकने के बावजूद उस यज्ञ में शामिल हो गई। उस समय यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता से भगवान शिव को आमंत्रित न करने की वजह पूछी और अपनी नाराजगी प्रकट की। इस पर दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को अपशब्द कहे, जिसके अपमान से पीड़ित होकर सती ने यज्ञ की अग्नि कुंड में कूद कर अपनी प्राण आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध की वजह से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और वह क्रोध की वजह से तांडव करने लगे। इसके पश्चात भगवान शिव ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर यज्ञ कुंड में सती के पार्थिव शरीर को निकाला और कंधे पर उठा लिया और दुखी मन से वापस कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। इस दौरान देवी सती के शरीर के अंग जिन जगहों पर गिरे, वह स्थान शक्तिपीठ कहलाए, जो कि वर्तमान समय में उन जगहों पर स्थित है और आज भी पूजे जाते हैं। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि शक्तिपीठ किन किन जगहों पर स्थित है और माता शक्ति को उन स्थानों पर क्या पुकारा जाता है। उससे पहले आप हमारे चैनल सात्विक नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्ण।